यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग दिख रहा है आपको, बट क्वेश्चन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा हमारा। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का एन टर्म्स का सम निकालना, मतलब क्या निकालना मुझे, एस एन, क्या निकालना है मुझे, एस ऑफ एन। तो एस ऑफ एन के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, एन बाय टू ब्रेकेट ऑफ ए प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एन बाय टू ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट को समझिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इस सीरीज का लास्ट टर्म भी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम उसका सीरीज का लास्ट टर्म अगर हम आपको बोले तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए फोर सारे टर्म्स में कंटिन्यू है तो फोर माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए वन बाई एन, फिर यहाँ पे टू बाई एन, यहाँ पे थ्री बाई एन, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा लास्ट तक, एन टर्म्स है तो एन बाई एन, ठीक है, फोर माइनस एन बाई एन। इस एन माइनस एन बाई एन को अगर मैं सॉल्व करें आंसर कितना आ जाएगा, फोर माइनस वन, आंसर आएगा थ्री। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो क्या निकला, थ्री। तो हम लोग जब लास्ट टर्म हमारे पास होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे इस फॉर्मूला से, देखिए एन बाय टू ब्रैकेट ऑफ ए का वैल्यू कितना है तो फोर माइनस वन बाई एन, ये हमारा ए है, प्लस एल का वैल्यू कितना है थ्री। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकेट n बाय टू ब्रेकेट ऑफ, इसको सॉल्व करिए तो 4 प्लस थ्री कितना आ जाएगा, 7 माइनस वन बाई एन आएगा। अब इस n बाय टू को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7 बाई टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 1 बाय टू, तो बाई टू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 एन माइनस वन। तो s ऑफ n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 7 एन माइनस वन बाई टू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार भी देखे होंगे या प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको वहां पे याद आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है या आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग